hello children welcome back to extra class with rn mandal children today we are going to discuss your lesson number 20 sentences from your book collins english grammar and compositions and this is part second video part first was already uploaded you can check it from the playlist all link is given in the descriptions you can join us in our instagram as well as telegram channel where you can get the updates regarding any kind of any activity in this channel Miss yes, any kind of any informations regarding the video or what is the upcoming video like this? Or you can discuss directly discuss any kind of any grammar topic or your confusions. You can uh, get the updates as well as uh, I will solve your doubts there, right? Very quickly. So, start the lesson. Depart before going to start, I would like to request everyone if you uh, like the video, please hit the like button. If the uh, videos are helpful for you, please uh, hit the subscribe button as well as uh, share the channel page. Okay, so have to start. Depart complete the sentences according to the given instructions, means you have to write the sentences according to uh, given in the descriptions or. Uh, वी हैव टू राइट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस लाइक दे वेर डेस सो एसरेटिव सेंटेंस में आपको इसको फिलअप करना है एसरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई एक स्टेटमेंट होती है सो दे वेर गोइंग टू वॉच ए फिल्म इन द इवनिंग दे वेर गोइंग यू कैन राइट योर ऑन आंसर ऑल्सो गोइंग टू वॉच अ फिल्म फिल्म इन द इवनिंग इन द इवनिंग ओके नेक्स्ट सेकेंड नंबर की बात करें डैस फ्लॉट ओके एक्सप्लेटरी सेंटेंस है कोई आपको सरप्राइज या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देना है जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सो वट एन एरी एन कोजी फ्लॉट वट एंड एरी एंड कॉजी फ्लट ठीक हैजी फ्लट नंबर थर्ड व्हाट इज़ डेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको इसको फिलअप आप करना व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच वट इज द टाइम बाय योर वॉच आपके घड़ी में कितना टाइम हो रहा राइट सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन मार्क नंबर फोर डैस द बुक्स डैस द बुक ओके सो प्लीज अरेंज द बुक एसरेटिव सेंटेंस में आपको लिखना है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज अरेंज द बुक ओके प्लीज अरेंज द बुक कंप्लीट नेक्स्ट नंबर फाइव Tabashum is. Tabashum is an extremely reliable girl. Tabasum is an extremely reliable girl or extremely intelligent girl, you can say. Assertive sentence. Fill up. Next number six, explanatory sentence. Oh. What a lovely tune. Oh, what a lovely tune. Explanatory marks. Next number seven, question sentence. How is the पैसेंट नाव हाउ इज द पैसेंट नाव क्वेश्चन मार्क नंबर एट यू मस्ट कंप्लीट दिस टास्क एट वंस यू मस्ट कंप्लीट दिस टास्क एट वंस नंबर एट इज कंप्लीटेड ठीक है आगे देखते हैं सिंपल सेंटेंस राइट सिंपल सेंटेंस क्या होता टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के थ्री टाइप्स होते हैं सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर अर्लियर वी वॉज डिसकस अकॉर्डिंग टू देअर मीनिंग बट हेयर द सेंटेंस कंटेंट वन इंडिपेंडेंट क्लोज विथ वन फाइनाइट वर्व एंड सब्जेक्ट इज कॉल सिंपल सेंटेंस राइट मीन्स द सेंटेंस इज टोटली सिंपल मीन्स देर इज़ नो एनी डिपेंडेंट क्लोजिज लाइक वी वेटेड फॉर द ट्रेन सिंपल सेंटेंस में कोई आ, कुछ फंक्शन नहीं हो रहा ठीक है सेंटेंस विथ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज ज्वाइन बाई कॉर्डीटिंग कंजेक्शन आर कंपाउंड सेंटेंसेज इसमें अगर कोई कॉर्डिनेटिंग कंजेक्शंस है तब इसके चांसेस बन जाती है कंपाउंड सेंटेंस में और इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं जैसे एक एक्जाम्पल में हम लोग देखते हैं दे आर ऑल इन्फ टू ज्वाइन द कंपिटीसन एक सेंटेंस हो गया आपका क्लोजेज हो गया और अगर हम लोग इसके बाद सेंटेंस को नहीं भी लिखे फिर भी चलेगा एक अपने आप में एक कम्प्लीट सेंस बना रही है या फिर बट लगा करके आप क्या लिख रहे हो देर डू नॉट वन टू पार्टिसिपेट सो दिस वन ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लोजेज एंड हेयर इट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन्स इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस है सो so इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस के बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होती है उसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती है दोनों होती है सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लोजेज एंड वन मोर ऑर्डीनेट क्लोजेज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे आर जो विद सबॉर्डीनेटिंग कंजेक्शन लाइक बिकॉज वैन अनलेस रिलेटिव लाइक दैट लाइक दे कूड नॉट इस्टार्ट द ट्रेक बिकॉज इट वॉज रैनिंग हैविली सो बिकॉज यहाँ पर लगा हुआ इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पर कंसिडर करेंगे लाइक दे कुड नॉट स्टार्ट द ट्रेक इट वॉज रेनिंग हैविली एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट दे कुड नॉट स्टार्ट द ट्रेक वाई बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये डिपेंडेंट हो गया इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो गया ठीक है आगे देखते हैं कभी कभी सेंटेंस दोनों भी होती है कम्प्लेक्सन कंपाउंड सिंगल सेंटेंस ए सेंटेंस दैट कंटेंट टू मेन क्लोजेस एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लोजेस दो मेन क्लोजेस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोजेस और एक या एक से भी ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लोजेस होती है तब उसको हम लोग कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं बहुत कोऑर्डीनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग आर यूज टू जॉन क्लोजेस इसमें आपको सबसे पहचानने का बेस्ट uh, तरीका क्या है कंजेक्शंस को आप देख लो इसमें कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन्स दोनों होती है फॉर एग्जाम्पल समृति हैड होप्ड दैट सी वुड मीट कनिका बिफोर सी लेफ्ट द यू एस ए बट सी कुड नॉट सीस सी डिड नॉट गेट लीव फ्राम वर्क ठीक है समृति हैड होप्ड ये आपका क्या हो गया एक मेन क्लोजेस हो गया दैट दैट लगा हुआ ठीक है दैट सी कुड़ नॉट मीट कनिका कनिका यहाँ तक आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया इसके बाद बिफोर सी लेफ्ट द यू एस ए भी आपका सब ऑर्डिनेट क्लोजेज हो गया बट सी कुड नॉट बट सी कुड नॉट यहाँ पर आपका मेन क्लोजेज हो गया सी सी डी नॉट लीव फ्रॉम वर्क सो ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया सो so इस तरह से कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकती है नेक्स्ट जो आपका ई पार्ट है देखते हैं ई पार्ट में क्या है आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई दिस सेंटेंसेस एज सिंपल एस कंपाउंड सी कम्प्लेक्स सी यू एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड अगर है तो आपको सी सी लिखना है सो so, देखते हैं पहले सी uh, सुहेल uh, टेक्स लवली फोटोग्राफ्स सुहेल लवली फोटोग्राफ्स के uh, मतलब वो लवली फोटोग्राफ्स ले सकता है सो तो इसमें कोई कंजेक्शन का यूज़ नहीं हुआ है ओनली इसमें फाइनाइट आइड है और मेन क्लोजेस है सो तो इसमें आपका सिंपल सेंटेंस हो गया ये वेंट होम आफ्टर ही फिनिश्ड हिस आर्ट प्रोजेक्ट आफ्टर ही फिनिश्ड आर्ट प्रोजेक्ट सो आफ्टर आपका को सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन से और सी वेंट ये असी वेंट होम ये मेन मेन आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया और इसी फिनिशिज आर्ट आफ्टर के बाद ये जो आपका है सब ऑर्डिनेटिंग कन्क्शंस के साथ इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो गया इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ठीक है सी ओ द लाइट कम ऑन द व्हेन वैन दे स्विच ऑन द मेन पावर सोर्स ये भी आपका सिंपल है वैन लिखा हुआ है और इसमें कोई कुछ दिया हुआ नहीं है सो so, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सी ओ Although the weather was not favorable we continued our journey. Although हालांकि वेदर अच्छी नहीं थी फिर भी हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू किए so, सो ये कौन सा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है प्रमिला डजेंट लाइक हॉरर फिल्म बिकॉज दे आर स्क्रे सो ही डजेंट वॉच फिल्म यहाँ पर दो एक सो है और एक बिकॉज भी है सो इसीलिए मेन क्लोजेज भी है सब ऑर्डिनेट क्लोजेज भी है इसीलिए आपका क्या है सी सी है कम्पाउंड एंड कंप्लेक्स सेंटेंस नंबर फोर फाइव की बात कर रहा हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बहुत ही सिंपल है सिंपल सेंटेंस है इसमें कोई कंजेक्शन का यूज नहीं हुआ है दैट्स वाई पीपल हु लीव इन द ग्लास हाउस वुड नॉट थ्रो स्टोन्स जो कांच के घरों में रहते हैं कहावत है कि वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं सो नंबर सेवन इज़ योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सी ओ ठीक है पीपल हु लीव इन हाउस ग्लास हाउसेज वॉट थ्रो हु है ना नेक्स्ट नंबर एट यूजली आई गो फॉर जॉगिंग एवरी डे एज सुन एज द सन सनराइजेज बट इट वॉज रेनिंग टूडे ओके नंबर एट की बात करें यूजली आई गो एवरीडे एज सुन एज ओके बट सो so, आपके यहाँ पर कंपाउंड एंड सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दोनों कंजेक्शन्स का यूज़ हो रहा है दैट्स वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा है आपको पहचानने का तरीका ज़्यादा कुछ देखना नहीं है आपको कंजेक्शंस को देखना होता है सो नंबर नाइन की ओर बढ़ते हैं पीपल कैन बी हैप्पीली विथ लिटिल पीपल कैन बी हैप्पीली विथ लिटिल नंबर नाइन इट इज सिंपल सेंटेंस नंबर टेन we can help out provide did uh, we are given the data we require so ye aapka simple sa hai ye aapka complex sentence ho jayega theek hai complex c o we can help out provided we are given the data we require ठीक है हालांकि यहाँ पर ज़्यादा कंजेक्शंस का यूज़ नहीं हुआ है जो यूज़ होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या है कंप्लेक्स सेंटेंस बन जाती है कंपाउंड सेंटेंस बन नहीं पाएगी क्योंकि डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है डिपेंडेंट क्लोजेस नहीं है एक दूसरे पर डिपेंड करती है सेंटेंस दे केम होम एंड स्टेड फॉर टू डेज एंड स्टेड फॉर टू डेज एंड है सो सिंपल है क्या होगा कंपाउंड सेंटेंस सी ओनली नेदर राम नोर श्याम नो हाउ टू सॉल्व दिस इशू ना ही राम को ना ही श्याम को पता है कि इस इसको कैसे सॉल्व करना है सो so आपका ये क्या हो गया कंपाउंड सेंटेंस हो गया सी नोर राम नोर श्याम ठीक है डिपेंडेंट सेंटेंस है इसीलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर थर्टीन की ओर देखते हैं थर्टीन में क्या है दिवा फॉरवर्ड रियाज बर्थडे सो सी सेंट हर ए कार्ड और एज सुन एज सी रियलाइज्ड इट सो यह आपका हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मीन सी सी ठीक है सो दिस इज़ कम्प्लीट ऑल इट इज सी सी अगर मैं आपको बात करूँ क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है सो यहाँ पर लिखा हुआ एस सोन एज लिखा हुआ दो कंजक्शंस का यूज़ हो रहा है रिया फॉरगोर्ड दिव्या फॉरगोर्ड रियाज बर्थडे ये आपका मेन क्लोजेस हो गया डिपेंडेंट सो ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया सब ऑर्डिनेट क्लोज होगी इसीलिए आपका एक क्या हो गया कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस है कंप्लीट कम्प्लीट देंटेंस राइट व्हाट टाइप आर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है फिर आपको बताने इसके टाइप्स क्या है कंप्लेक्स से कंपाउंड या फिर क्या है यू कैन ओके यू कैन टेक द ओके वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंसन यू सेंटेंसेस कैन बी डिफर मेरे से डिफरेंस हो सकती है मैं आपको जो बता रहा हूँ मीन्स यू हैव टू राइट द सेंटेंस इन मीनिंगफुल वे सो डोंट वरी अबाउट इट यहाँ पर एंसर अलग हो सकता है बिकॉज समटाइम वट इज़ हैपन आई एम गेटिंग इन कमेंट सेक्शन सर योर आंसर इज और वट एवर यू मैंसन द एक्सरसाइज दिस आर रॉन्ग ओके बट आई ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड इन बैकग्राउंड टू ट्राई टू सॉल्व विद आउट एनी एर राइट इसमें जो भी आपको एक्सरसाइज दिया जाता है उसमें कोई भी एरर नहीं होती है मैं कोशिश करता हूँ लेकिन इस तरह के जो सेंटेंस होती है क्योंकि इसका जो मीनिंग है आपके अकॉर्डिंग अलग भी लिख सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हो फिर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जो बनेगी हो सकती है लेकिन मैं आपको एक आंसर बता रहा हूँ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है सो यू कैन टेक द अम्ब्रेला हुई चीज केफ्ट बिहाइंड द डोर यू कैन टेक दी अम्ब्रेला umbrella which is which is kept behind the door kept behind the door behind the door okay and which kind of sentence this is this is complex sentence this is complex sentence okay नेक्स्ट क्योंकि हम लोगों ने विच यूज़ किया है वेनवर दे वेंट वेनवर दे वेंट दे वेर मोबेड बाई देयर फैंस उनके फैंस जो है वे उसको घेर लेते हैं दे वेर मोबेड मतलब घेर लेना भीड़ कर देना इकट्ठा कर देना मोबेड बाय देयर फैंस

इट इज़ योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर सिक्स की बात करें आई नो दैट आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट ही वॉज इनोसेंट आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट एंड व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस दिस इज दिस इज कंप्लेक्स सेंटेंस ठीक है नंबर सेवन की बात करें Uh, that is a famous director. That is a famous actor or director. Okay, director is here. That is the famous director. Was not known to the waiter. Was not known to the waiter. Not known to the waiter. ही वॉज द डायरेक्टर फेमस डायरेक्टर वॉज नॉट नॉन टू द वेटर ये आपका कौन सा से सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ठीक है सो दिस इज कंप्लीट नंबर सेवन नंबर एट की ओर बढ़ते नंबर एट लाफिंग एट योर ट्रबल्स विल हेल्प यू कॉप बेटर विल हेल्प you cop better will help you cop better so it is your simple sentence next number 9 9 and 10 is for you you have to practice because grammar is always uh, need lot of practice then you can improve and better in grammar part जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे ग्रामर पार्ट में उतना ही आपकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी सो यअ पार्ट इज कम्प्लीटेड एंड इज देर एनी थिंग नोन नथिंग इज देयर सो अगेन आई एम आस्किंग यू इफ यू इफ द वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ मैंसन इन कमेंट बॉक्स हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू एनी काइंड ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर यू हैव टू मैंसन इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डोंट फॉरवर्ड टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द हिड बटन यू आर नॉट गिविंग टू मी एनी थिंग कुछ भी आपका नहीं जा रहा लेकिन एक मोटिवेशन मुझे मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करते हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज मैंसन इन कमेंट बॉक्स वेर यू आर वॉचिंग फ्रॉम सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन टिल दन बी हैप्पी थैंक यू